तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी वीडियो में कॉपीराइट आ गया है तो उसे रिमूव कैसे करेंगे, उससे कैसे बचेंगे, सारी जानकारी देने वाला हूं बिल्कुल डिटेल से। ध्यान से सुनना, कॉपीराइट तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मोनेटाइजेशन शेयरिंग, दूसरा होता है कॉपीराइट क्लेम, और तीसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। मोनेटाइजेशन शेयरिंग ये होता है, अगर आपने किसी का सॉन्ग गाया, यानी कि आपने नहीं लिखा, आपका ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है, किसी और ने उस सॉन्ग को लिखा है, गाया है, लेकिन आप अपनी वॉइस में उसे गाते हैं, तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन शेयरिंग का ऑप्शन आता है, यानी कि आधा आधा दोनों में बट जाएगा, यानी कि आधा आधा पैसा दोनों को मिल जाएगा। लेकिन दूसरा होता है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है, आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जिस वीडियो पर आपके कॉपीराइट क्लेम आया है उस वीडियो से जो है आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। कॉपीराइट क्लेम से आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो तीसरा है वो होता है सबसे खतरनाक, अगर आपके में एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तब तो कुछ नहीं होगा, दूसरा आया है तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन तीसरा कभी भी आ सकता है। तीन कॉपीराइट आने से आपका चैनल टाटा बाय बाय करके जो है आपको चला जाएगा, फिर यूट्यूब जो है आपका चैनल डिलीट कर देगा यूट्यूब से। कॉपीराइट स्ट्राइक का जो जीवन होता है वो होता है 90 दिन का, 90 दिन के बाद आपके चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाती है। लेकिन 90 दिन आपको जो है बहुत ही सावधान रहना है। अगर आपके में एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है तब तो ठीक है, अगर दूसरी आई तब संभल कर रहना है, तीसरी कभी भी आ सकती है और आपका चैनल टाटा बाय बाय करके जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपीराइट रिमूव करने के लिए सबसे पहले उसको मेल करना है जिसने आपके वीडियो पर कॉपीराइट दिया है। अगर उसका रिप्लाई आ जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपको 90 दिन जो है कोई भी ऐसा वीडियो नहीं डालना है जिसकी वजह से आपका चैनल डिलीट हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है, सब साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर जाना है, youtube.com सर्च करना है। youtube.com सर्च करने के बाद आप अपना चैनल ओपन कर लेंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड इनेबल कर लेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर चैनल अनुकूलन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे का पेज ओपन होगा जहाँ पर सारी डिटेल्स दी होगी कि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दिया, किस रीजन से दिया, सारी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है डैशबोर्ड का, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे में भी एक स्ट्राइक आ चुकी है, तीन में से एक स्ट्राइक आ चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो यहाँ इसी पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी जानकारी दी होती है कि आपके कॉपीराइट स्ट्राइक किसने दी है, किस रीजन से दी है, सारी जानकारी। साथ में यहाँ पर एड्रेस भी लिखा होता है और ये कॉपीराइट स्ट्राइक कब रिमूव होगी ये भी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आप देख सकते हैं मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी 1 फरवरी 2023 को और ये एक्सपायरी ऑन 2 मई, यानी कि 2 मई को मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक वो हट जाएगा। अगर आप यहाँ पर सारी जानकारी भी दे होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं सी एक्शन का ऑप्शन मिलता है, सी एक्शन पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन मिलता है प्रतिपात संपित करें, अगर आपका ओरिजिनल वीडियो है लेकिन किसी ने फेक स्ट्राइक दे दी है तो आप उसे कोर्ट तक ला सकते हैं, लेकिन हमें कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। दावेदार से संपर्क करें, दावेदार संपर्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उसकी मेल आईडी आ जाएगी तो उसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, पता कॉपी करें, यहाँ से मेल आईडी उसकी कॉपी हो गई है। इसके बाद आपको आना है मेल आईडी पर, इसके बाद यहाँ पर आप कंपोज पर क्लिक करेंगे, टू पर क्लिक करेंगे और ये उसी एड्रेस को यहाँ पर कॉपी कर देंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है वो सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, ये इसको भेजना है। यहाँ पर लिख सकते हैं सब्जेक्ट में कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ पर आपको लिख देना है कॉपीराइट स्ट्राइक कंपोज ईमेल। यहाँ पर आपको क्या लिखना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर सारा लिख देना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारी जानकारी जो है भर दी है, इसके बाद यहाँ पर ये सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। इसके बाद यहाँ ऊपर सेंड का ऑप्शन मिलता है, सेंड कर देंगे। अब उसका रिप्लाई आ जाता है तब तो ठीक है, आपके वीडियो से स्ट्राइक हटा सकता है, वो उसकी मर्जी है। अगर आपने ज़्यादा वीडियो यूज़ किया है तो वो नहीं भी हटा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो शायद उसका रिप्लाई आ जाए, रिप्लाई आने तक उसका इंतजार करना है, वरना 90 दिन आपको सावधान रहना है। इस तरीके से आप अपने चैनल का कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव कर सकते हैं, या फिर 90 दिन आपको वेट कर लेना है, 90 दिन के बाद अपने आप ही कॉपीराइट स्ट्राइक हट जाएगा। सो आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।